ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रामपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और मुठभेड़ के बाद भूरा नाम का बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बदमाश मौका पाकर फरार हो गया। मुठभेड़ में घायल बदमाश पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली मिलक क्षेत्र की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में बीएसपी की बैठक आज मिशन 2024 को लेकर अहम बैठक होने वाली है। बीएसपी ने चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही पदाधिकारियों के साथ मायावती की बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश स्तर पर तैयारियों की समीक्षा होगी। 2024 को देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो मिशन 2024 को लेकर ये बैठक होने वाली है। पदाधिकारियों के साथ बीएसपी प्रमुख मायावती ये बैठक करेंगे और 2024 को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं। मऊ की घोसी उपचुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर लगाएंगे चौपाल। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे, दारा सिंह चौहान के पक्ष में प्रचार करेंगे और घोसी के कई गांव में पहुंचेंगे राजभर। बीजेपी से दारा सिंह चौहान उम्मीदवार थे और घोसी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में ये जनसभा रखेगी और प्रचार करते हुए दिखाई देंगे ओपी राजभर दारा सिंह चौहान के लिए। आज बागेश्वर और अल्मोड़ा दौरे पर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सीएम का प्रोग्राम है, साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव पर चर्चा भी करेंगे और आने वाले कुछ दिनों में सीएम गरुड़ और कफीली ग्यार में दो जनसभाएं भी करेंगे। अल्मोड़ा भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सोमेश्वर में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे पुष्कर सिंह धामी। वहीं आपदा को लेकर जिलों की समीक्षा भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते हैं। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे का वक्त है मामले की सुनवाई होने का और विवादित परिसर से जुड़ा यह मामला है। जनहित याचिका पर सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता को फिजिकल तौर पर मौजूद रहने का आदेश यहां पर दिया गया है और 2 बजे मामले की सुनवाई का वक्त है। तो हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होनी है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा यह पूरा मामला हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई दोपहर में 2 बजे होगी। काफी महत्वपूर्ण इस सुनवाई को माना जा रहा है। जनहित याचिका है जिसे लेकर सुनवाई की जाएगी। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।